आयुर्वेदिक आपने रखा है क्या चीज़ है ये बताइए भैया। सर्वप्रथम ये तो मैं जैसे ये बता रही हूँ आपको, ये आपको एक लंबी सी फली दिख रही है, ये पाटला की फली है और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ग्रूव्स दिए हुए हैं ये यहाँ से ऐसे तोड़ लिए जाते हैं, ये ऐसे। उसमें क्या है, उसमें ये क्या है कि इसको जो है हमें, इसको हमें एक छोटा या पतला सा ये ऐसे, ये हमें सिर्फ हाथ में पहनना रहता है या हम गले में पहन लें। अपने जो वैद्य जी वगैरह दें, आप बात करें किसी को, आप समझेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये आपको कैसे पहनना है। दो तीन प्रकार होते हैं इसके पहनने के, पाटला कहते हैं। कहाँ पे मिल जाएगा ये हमको, मी आपल्याला दाखवतो ही पाटलाची शेंग या शेंगाचे उपयोग काय काय ही, यानी उसका यूज क्या क्या होता उसका है? इसके यूज ऐसे है कि एक तो क्या होगा कि जैसे कहते हैं ना माइग्रेन होता है, आज का पारी बोलते हैं जिसको दूसरी भाषा में, तो क्या होगा, एक तो इसकी रिंग को हम पहन लें अंगूठी समझ के, दूसरा इसी का जो है इतना सारा अगर आप लेकर के पाउडर बना लेते हैं और उसको पीस के माथे पर भी लगाया जाता है तो कहते हैं कि जो हीट हमारे यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है वो इससे ठीक होती है, एक ये चीज़ होगी। दूसरा ये देखिए कि ये है सागर गोटी का बिया, इसको भी ये सब जानते हैं, पूरा ये देखिए कांटों से पूरा भरपूर है, लेकिन जितना ये कांटों से भरा हुआ बाहर से दिख रहा है उतना ही आपके पूरे शरीर को अंदर से पूरा नरम कर देता है। क्या करना पड़ता है इसके बीजे को, इसको हमको पाउडर बना के रखना पड़ता है जो कि हम धागा मिश्री आती है हम उसके साथ लेते हैं, और इसको हर बहुत सारे प्रकार के मोर देन 50-60 के प्रकार के रोग हैं उसमें हमको वेरिएशन करके अलग अलग प्रकार से ये लेना पड़ता है। और बुखार तो दो दिन जो खिंच रहा है वो हार्डली आपका आधे घंटे में बुखार तुरंत टेम्परेचर उतरता है। ये सीड फेमस है, ये सीड जो है ये होगा। और ये है देखिए, ये एक है नेचुरल सिंदूर, ये देख रहे हैं जो हम, और ये हमको ऐसे दिखेगा कि ये पूरा बंद रहता है ऊपर से, एक इसका छोटा सा बोटू है, और अगर आप इसको देखना चाहें तो ये देखिए ये ऐसे, ये कितना, ये देखिए इतना सुंदर कलर है ये, और ये इसी से आप यहाँ लगाएं, आप इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, आप इसको लिपस्टिक भी बनती है इसकी, इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है, बहुत कलर है इसके, बहुत वेरियस टाइप से, और अगर आप इसको देखें तो पेड़ हार्डली 2 साल का पेड़ होगा और इसको फल आ जाते हैं। पर्यावरणाला वाचवण्यासाठी हे दाम्पत्य सुषमाताई मेहरा आणि यांचे पतीही घेऊन यांचा परिवार म्हणून जे काम करतात हे खरंच वाखवण्याजोगं आहे। अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांना आपण पुढल्या एपिसोडमध्ये भेटणार आहोत। धनंजय साखरकर, नवराष्ट्र, चंद्रपूर।